आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं। केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया गया, वो ईडी दफ्तर पहुंच गए। केजरीवाल ईडी दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर में बने हुए लॉकअप में रखे जाएंगे। सीएम केजरीवाल का लॉकअप से पहले मेडिकल कराया जाएगा और इसके लिए वहां पर सफदरजंग आरएमएल हॉस्पिटल से माफ कीजिए पहुंची हुई जो डॉक्टर्स की एक टीम है मौजूद है जो मेडिकल करेगी अरविंद केजरीवाल का। यहां अरविंद केजरीवाल को ले जाए जाने की उस समय की तस्वीर, अब से कुछ देर पहले की तस्वीर, जब अरविंद केजरीवाल को इस गाड़ी में बिठाकर इनोवा में ईडी की टीम ईडी ऑफिस ले गई है। ईडी ऑफिस में ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए लॉकअप में उनको रखा जाएगा। हमारे संवाददाता हिमांशु वहां मौजूद है, उनके पास एक बार फिर चलते हैं। गाड़ियों के काफिलों की आहट मिलने लगी क्या आपको? सबसे बड़ी खबर हम बताना चाहते हैं, ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। ये पीछे वाला रास्ता पंकज आपको दिखाएंगे, सामने की तरफ एक रास्ता है, बड़ा कीजिए तस्वीर को, बड़ा कीजिए प्लीज, दिखाई दे रही होगी। उस रास्ते से पीछे एक दरवाजा है ईडी का एक दरवाजा है। उस रास्ते से ईडी के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल को ले जाया गया है और अरविंद केजरीवाल अब अंदर पहुंच चुके हैं, यही जानकारी निकल कर आ रही है। चूंकि चारों तरफ मीडिया की भीड़ थी और ये भी संभावना थी कि हो सकता है कि तमाम जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस का रास्ता रोकने की कोशिश करें, ईडी के रास्ते को रोकने की कोशिश करें, इसलिए पीछे की तरफ से जो ताज मानसिंह होटल की तरफ से एक रास्ता है, उस रास्ते से एक गेट है ईडी का, उस गेट से अंदर अरविंद केजरीवाल को ले जाया गया है। अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर में पहुंच चुके हैं और ये जो तमाम गाड़ियां हम लगातार दिखा रहे थे ये उनके साथ में ही थी, जो साथ में चल रही थी। ये बाद में पीछे की तरफ से जहां पर मीडिया कर्मी है खड़े हुए हैं मुख्य द्वार की तरफ, वहां पर आकर ये गाड़ियां खड़ी हुई और तभी ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल किस गाड़ी में है। लेकिन अब जानकारी मिल चुकी है और ये बात, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं हिमांशु, जिस गाड़ी से उनको लाया गया है और तस्वीरें ईडी दफ्तर पर पहुंचने के बाद एक हल्की सी झलक मिली है अरविंद केजरीवाल की और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। दिनेश, इस तस्वीर को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? इस तस्वीर को देखकर जो अरविंद केजरीवाल का बॉडी लैंग्वेज है उसको आप कैसे देखते हैं? आपने जो एक महत्वपूर्ण बात पहले कही थी कि वो चाहते थे अरविंद केजरीवाल कि उनको घर में पहुंचकर ईडी की टीम यहां से गिरफ्तार करके ले जाए, तो मुझे तो जो चेहरे में दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से ये जो पूरी कार्रवाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल सीएम है और ऐसे में उनको ले जाया जाना ईडी के दफ्तर की तरफ, वहां ईडी की टीम पहुंचती है और उनके घर में तलाशी के सर्च वारंट के साथ पहुंचती है और उसके बाद गिरफ्तार करके ले जाती है। चेहरे पर तनाव तो है लेकिन साथ में वो जो चाह रहे थे वो उसी तरीके से हुआ है, ये भी दिखाई दे रहा है उनके चेहरे पर। मैं तो ऐसे पढ़ता हूं इसको। बिल्कुल, सो एक बात तो तय है कि उनके चेहरे पर तनाव है, जिस तरीके से वो कई बार दिखते हैं हल्के फुल्के उसमें अंदाज में, उस तरीके से उनके चेहरे पर देखिए वो जो भाव है उसमें एक अनिश्चितता, एक तनाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ईडी दफ्तर में चूंकि आने वाला जो समय है वो आसान नहीं होने वाला है अरविंद केजरीवाल के लिए, एक बात तो स्पष्ट है। और आज पूछताछ नहीं होगी लेकिन अगर कल रिमांड मिलता है, जिसकी ज्यादा गुंजाइश है, इस बात को इस संदर्भ में समझना जरूरी है दिनेश, इस संदर्भ में समझना जरूरी है कि आज सुनवाई जब हो रही थी कोर्ट में तो कोर्ट ने बाकायदा ईडी से सारे दस्तावेज मांगे और दस्तावेज देखने के बाद कोर्ट ने फैसला किया कि गिरफ्तारी पे रोक नहीं लगाएगी और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। ये बताता है कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये बात जरूर रही होगी कागजात देखने के बाद, सबूत ये इशारा करते हैं कि मामला गंभीर है। बिल्कुल।